साथ ही उन्होंने कहा है कि बीसीटी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो इसलिए हुआ था कि लोग आपस में क्वाइन बेचकर जो है पैसे नहीं ले पाते थे, या फिर पैसे बेचने के बाद क्वाइन नहीं ले पाते थे। इस प्रकार कई एक समस्याएं जो है हमारे केवल सदस्यों के में हो रहा था। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने बीसीटी को लाया है। उसके पहले कि वो क्वाइन आया, कि वो क्वाइन के बाद P2P ट्रांसफर आया, उसमें जो समस्याएं थी उनको सीधा उनको जो है खत्म करने के लिए बीसीटी को लाया गया। इसी प्रकार से जो है अब बीसीटी में जो है हमने एक नियम बनाया है कि बीसीटी में जो खरीदे हुए क्वाइन है वही यूटिलिटी में काम आएंगे। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ OTT जो है वो BCT से हटकर है और बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो BCT में खरीदे हुए क्वाइन के ऊपर ही आधारित होंगे। BCT में जो इस प्रकार से रेट फिक्स किया गया है और जो K-वैलेट है हमारे पास फिलहाल है वो भी एक माने कि वो की तरह एक अकाउंट है और BCT में हम सिर्फ हमारे जितने भी केवो के परिवार के सदस्य हैं वही इसमें शामिल हैं। और अभी जो नया एक नया वैलेट बनाया जा रहा है वो अलग तरह से होगा, वो इंटरनेशनल यूज के लिए होगा। उसमें किस प्रकार से जो है हम अपने कॉइन को यहाँ पे जो खरीदे हुए कॉइन है BCT में उसको जो है इंटरनेशनल के वैलेट जो है उसमें ले जाकर हम बेच सकते हैं, एक्सचेंज में जो है बेच सकते हैं। इस प्रकार का मैंने प्रणाली बनाया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि एक सहज भाव से आदमी जीता है, मानव जीता है और वो हमेशा ही किसी भी प्रकार से पैसा कमाना चाहता है। इसलिए जो है शुरुआत में BCT में लोगों ने 10 रुपया भी के कीमत के बराबरी कॉइन को बेचा है और ये सारे चीजों को रोकने के लिए हमने BCT में 100 रुपये का जो लॉक किया है, कम से कम 100 रुपये होना चाहिए, उसको हमने वहाँ पे शुरू किया है। इसी प्रकार से अगर हमने BCT नहीं लाया होता और डायरेक्ट हमारा सेलेबल कॉइन्स को एक्सचेंज में लेके चले जाते इंटरनेशनल एक्सचेंज में, तो वहाँ पर भी जो है सहज भाव से हमारे कॉइन का जो कीमत है पूरी तरह से नीचे गिर गया होता, बहुत कम कीमत में जो लोग बेच दिए होते। इन सारे चीजों को जो है एक अच्छे स्तर पर लाने के लिए, कॉइन के जो कीमत के बराबर बनाए रखने के लिए मैंने BCT बनाया है। और इसके बाद जो है हमारा K-वैलेट एक्सचेंज आएगा जो एक नए रूप में आएगा, नए ढंग में आएगा, जहां मैंने आप जो है BCT में खरीदे हुए जो कॉइन है उसको वहां पे कम से कम 250 रुपये में बेच पाएंगे। वहां पे भी लॉकिंग होगा 250 रुपये का और वहां से जो है आपको के एक्सचेंज में जो आने वाला है उसको वहां ले जाने के लिए आपको 750 रुपये का वहां पे लॉकिंग किया गया है कम से कम कीमत। और इंटरनेशनल एक्सचेंज आने के बाद आप 750 रुपये के हिसाब से ही आप जो है वहां पर किसी भी एक्सचेंज में अपने कॉइन को बेच पाएंगे। और अगर आपको वहां पर कंपनी जो ले रही है 500 रुपये के हिसाब से कॉइन, वो भी जो है वहां पर आप उस सुविधा का भी जो है आप उपयोग कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हमारा जो कॉइन के एक्सचेंज में 750 रुपये के हिसाब से बिकेगा और आने वाले और भी जो एक्सचेंजेस हैं उसमें जो है अगर किसी व्यक्ति को जो है 750 से कम में बेचने का मौका आया तो वो जो है माइनिट्स है, के कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो है 500 रुपये के हिसाब से कंपनी को बेच सकता है। पहली बात यह है कि
750 रुपए में वो कान खरीद के जो है कोई भी व्यक्ति नुकसान में नहीं बेचेगा, फायदे में बेचेगा। और इतना तय है कि यहाँ पे नया जो के एक्सचेंज वॉलेट आ रहा है, नया जो एक्सचेंज आ रहा है, उसमें 750 में ऊपर ही जो है उसका रेट जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि उसने खरीदा ही 750 में है हमारे के वैलेट एक्सचेंज में। इन सारे बातों का जो और भी सफाई जो है आने वाले समय में एमडी सभा में देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आने वाले 100 साल तक जो है ये हमारा जो पार्टनरशिप है, हमारा जो सहभागी है, ये हमारे साथ बने रहेगा। और हम जो है आपस में मिलकर जो है कॉइन को जो रेट है, कॉइन का जो पद्धति है, कॉइन की जो स्थिति है, उसको अच्छी तरह से सुधार पाएंगे और ऊपर लेकर जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, बाकी मैं एक ऐसा सिस्टम डाल दे रहा हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला डाल दे रहा हूँ जिससे जो है हमारे कॉइन का जो कीमत है बराबर बने रहेगा, ऊंचा जाते रहेगा आने वाले 100 साल तक। और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, और हम जो है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो कॉइन है बहुत ही अच्छी स्थिति में आने वाले भविष्य में जो है बने रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि एकाग्रता और दृष्टिकोण सही हो तो आदमी जो है सफलता को प्राप्त कर लेता है, सफलता उसके कदमों को चूमती है। और इसके उदाहरण में जो है अब्राहम लिंकन जो है वो राजनेताओं का जूते का पॉलिश करते थे। और एक दिन ऐसा आया है कि अब्राहम लिंकन ने उनके ऊपर राज किया। आज हमारे जो राजनीतिक नेता हैं वो एक समय चाय पिलाते थे, चाय बेचते थे, आज जो है वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं। ऐसे कई एक उदाहरण है जहां इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि एकाग्रता, दृष्टिकोण और मेहनत, समय पाबंदी, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, इसके द्वारा जो है व्यक्ति सक्सेस होकर रहता है, होकर रहेगा और हुआ भी है। हमारा भी सक्सेस जो है वो पक्का है, नियमबद्ध है, धर्मबद्ध है। और हम भी जो है अपने कॉइन को जो है 2 नंबर नहीं 1 नंबर पर लेके जाने वाले हैं और लेकर जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे जरूरत है हमारा आपका साथ हमेशा बने रहे, हमेशा हम सब जो हैं एक दूसरे से मिलकर जो है काम करें और आगे बढ़ते रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बीसीटी में जो व्यक्ति 100 रुपये में खरीदेगा वो कुछ ना कुछ फायदा देकर जो है 100 रुपये से अधिक में बेचेगा। वो चाहे तो जो नया वैलेट आ रहा है उसमें 250 रुपये में बेच पाएगा, और जो 250 रुपये में जो खरीदेगा वो 750 रुपये में के एक्सचेंज में बेच पाएगा, और जो के एक्सचेंज में 750 में खरीदेगा वो ऊपर में ही उसके अधिक में ही बेच पाएगा, बेचने का चाहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो है जब कोई चीज खरीदता है उसको जो है फायदे में ही बेचने का सोचता है, फायदे में बेचता है। और अगर कहीं बाकी एक्सचेंजेस में जो है कम कीमत में बिक रहा है कॉइन जो है, तब जो है वो हमारे यूटिलिटी में जो 500 रुपये के हिसाब से कॉइन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें वहां पे बेच सकता है। ये अपने अपनी इच्छा है। और यहाँ पे इतनी स्वतंत्रता है, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे दरवाजे हैं कि किसी भी दरवाजे से होकर किसी भी तरह से जो अपनी इच्छा से जो है खरीदे हुए कॉइन का जो कीमत के ऊपर जो है वो कॉइन को बेच सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है जो बहुत ही लाभदायक है। और ये कह सकते हैं कि पहली बार जो है ऐसा फार्मूला जो हमें यहाँ पे मिल पाया है, ये मेरे अपने विचार हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि
जैसे मैंने हमेशा ही कहा है कि हम नंबर 2 में नहीं, नंबर 1 में रहेंगे। आइए साथ मिलकर जो है हम काम करते हैं, क्योंकि पिता की जो पात्र है वो बच्चे को खुश रखने के लिए, उसको उसके अच्छे भविष्य के लिए होता है। और मैं भी जो है एक डैडी की तरह आपके लिए हूँ, और आप लोग को जो है मैं एक अच्छा भविष्य देकर रहूँगा और बहुत से पैसे भी देकर रहूंगा, क्योंकि डैडी का जो मन एक लाइबिलिटी होता है कि बच्चे के खर्चे के लिए पैसा देते रहे। और जो पुराने हैं वो तो उनकी इच्छा है कि वो साथ रहें या ना रहें, बाकी जो कुछ नए लोग आ रहे हैं OTT के द्वारा और के वैलेट के द्वारा, उनके पास क्वाइन कम है तो उनको भी जो है क्वाइन चाहिए, और वो भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को जोड़कर जो कॉइन कमा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप आते रहिए, मैं आपको पैसे देते रहूंगा, खर्चा करते रहिए, फिर से आइए, फिर से आपको मैं पैसे देते रहूंगा, फिर जाते रहिए, आपकी इच्छा है। मगर जो व्यक्ति मेरे साथ हमेशा ही रहेगा उसको तो मैं पूरे विश्व भ्रमण करवाऊंगा, अपने साथ, अपने प्रेम से, अपने आलिंगन से जो है उसको मैं कभी दूर नहीं रखूंगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और उन्होंने फिर से आह्वान किया है कि जितने भी सारे लोग जो हैं यहाँ से छोड़कर चले गए हैं वो सब वापस आ जाएं और फिर जो है पहले की तरह काम में जुट जाएं, और हम सब मिलकर जो है हमारा जो क्यूबा का जो उद्देश्य है नंबर 1 पर जान रहने के लिए, जाने के लिए, उसको पूरा करें। धन्यवाद।